Dear friend, today we are taking topic mineral based industry. Industries that use minerals and metals as raw material are called the mineral based industry. Mineral based industry उन industries भी कहते हैं जिसमें minerals और metals raw material के तौर पे use किए जाते हैं. क्या आप ऐसी industries के नाम जानते हैं जो इस category में आती हैं, call करती हैं? Iron and steel industries. Iron and steel industries is the basic industry since all the other industries. Iron and steel industry जो है ये मूल industries है, basic industries है सभी प्रकार की industries से पहले, चाहे वो heavy हो, medium हो और light हो, depend on it for their machinery. और चाहे वो iron and steel industry जो है सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज इसके मशीनरी जो है इस इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज जो है चाहे हैवी मीडियम और लाइट है वो अपनी मशीनरी के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेबल हैं. स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर से वैरायटी ऑफ द इंजीनियरिंग गुड्स. स्टील की जो है स्टील को बनाने की आवश्यकता है अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लिए, टेलीफोनिक एरिया के लिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ द कंज्यूमर गुड. और डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर आल्सो मेड और मैन्युफैक्चर फ्रॉम द आयरन एंड स्टील्स. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. और किसी देश का जो विकास का सूचक है वो इसकी productions और consumptions है. स्टील कितना प्रोड्यूस होता है, कितने इसकी consumptions है, ये किसी देश के विकास के इंडेक्स है, सूचक है. आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्रीज. और आयरन और स्टील जो है हैवी इंडस्ट्रीज है क्योंकि रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड जो हैं दे आर हैवी एंड बल्कि वो दोनों ही भारी और बल्कि दो बहुत आते हैं, बल्कि भी हैवी ही होता है एंड टेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और इसकी वजह से जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है. आयरन ओर कोकिंग ऑल एंड लाइम स्टोन्स आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1. और आयरन ओर कोकिंग कोल और लाइम स्टोन का यूज जो है 4:2:1 की फॉर्म में होता है, इसकी रेशो में होता है. सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन्स द स्टील. और कुछ मात्रा मैग्नीज की इसको स्टील को हार्डन बनाने के लिए यूज़ की जाती है. वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड. और स्टील प्लांट को कहाँ पर आदर्श रूप में लोकेटेड किया जा सकता है. रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट आर नीड एंड एफिशियंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर्स. और ये बात याद रखने वाली है कि जो फिनिश प्रोडक्ट हैं इसके उसके लिए एफिशियंट नेटवर्क, एफिशियंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की आवश्यकता है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत है. इन 2018 विद 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया रैंक द सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर. भारत जो है वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के मैटर पे सेकंड प्लेस पर है. और 2018 में इसने 106.5 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पंज आयरन. और भारत जो है स्पंज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इन 2018 पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ स्टील इन अवर कंट्री वाज ओनली अराउंड 70.9 केजी पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 224.5 केजी. भारत 2018 में पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ स्टील जो है भारत में ओनली 70.9 केजी पर एनम है, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज है
वो 224.5 kg है एज पर टेबल यू आर वाचिंग दिस। मिनी स्टील प्लांट आर स्मॉलर हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज जायर। मिनी स्टील प्लांट जो है वो छोटे होते हैं और जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज़ की जाती है स्क्रैप और स्पंज आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव री रोलर वो री रोलर के उनके पास होते हैं एंड यूज स्टील्स इग्नोर इन गॉड्स एज वेल। अगर जो है स्टील के इन गॉड्स को यानी कि गोलों को भी यूज करते हैं। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ द गिवन स्पेसिफिकेशन। और ये मिनी स्टील प्लांट जो है जो माइल्ड और एलॉय स्टील को गिवन स्पेसिफिकेशन जो है उसके अनुसार प्रोड्यूस करते हैं। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है बहुत बड़ा होता है और एक ही कॉम्प्लेक्स में सभी चीज़ को हैंडल करता है फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल्स टू स्टील मेकिंग। रॉ मटेरियल्स को साथ रखते हुए सेल लेकर स्टील प्लांट स्टील मेकिंग तक सभी चीज़ जगह एक ही होती है। रोलिंग एंड शेपिंग ऑल प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस एट वन प्लेस। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपने स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं उसके। और इन द 1950s में चाइना और इंडिया जो था वो सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस करता था। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। और आज जो है चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। और चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्टील भी है यानी कि सबसे ज़्यादा स्टील की खपत जो है चाइना में ही है। छोटे नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और आयरन एंड इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। देयर इज ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ स्टील प्लांट देयर। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो रिलेटिव एडवांटेज हैं वो इस जगह अवेलेबल्स हैं इसीलिए दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर। देयर दीज इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की कम कीमत हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी। और रॉ मटेरियल जो है हाई ग्रेड का वो नियर बाई एरिया में ही होता है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स जो नियर बाई ये क्षेत्र है वहीं पर मिल जाता है। चीप लेबर्स एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। और होम मार्केट के लिए चीप लेबर्स और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इस क्षेत्र में है। दो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और यद्यपि इंडिया जो है एक आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में यस वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल। लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ड्यू टू हाई कॉस्ट की वजह से और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल के लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से हाई कॉस्ट की वजह से लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेबर के कम प्रोडक्टिविटी होने की वजह से इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। और इन जो पावर सप्लाई है वो इरेगुलर्स है एंड देयर इज ए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हम जो है
फुल पोटेंशियल्स में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं. वी आल्सो इंपोर्ट गुड क्वालिटीज स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, और हम जो है दूसरे कंट्रीज से गुड क्वालिटी स्टील्स जो है इम्पोर्ट करते हैं. हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशियंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, और कुल मिला के जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील्स है वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड के अनुसार डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशियंट है. लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बूस्ट मिला है इसको, और क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके प्रयास के साथ ही इस इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बूस्ट मिला है. देयर इज़ ए नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कम्पिटिटिवली. इसलिए इसके लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने की जरूरत है R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जिससे कि हम स्टील को ज़्यादा तुलनात्मक तौर से प्रोड्यूस कर सकें कम्पिटिटिवली.